नमस्कार नमस्कार दोस्तों, इनकी आयु 27 ईयर्स हो रही है, -2 मंथ है। इनके जीवन के उतार चढ़ाव देखते वर्तमान में राव रेखा ने काटा हुआ है। शादी की लाइन कौन सी दिख रही है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और ये बिना धन रेखा वाला हाथ है, हाँ एक जगह पर जरूर धन रेखा है, तो उसका भी मैं मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ा ज़्यादा है हाथ, तो इस तरह की कंडीशन हो तो व्यक्ति या तो जॉब करता है या पार्टनरशिप में काम करने की कोशिश करता है, और ये जॉब में डिफेंस में है। ये पूरा स्क्वायरिश पाम है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज दुखीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और हाथ के मुकाबले मध्यम टाइप का अंगूठा है, तो कभी कभी बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे, कभी कभी नॉर्मल रहते होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। उंगलियाँ बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग रहते हैं। सूर्य की ओर उंगली हल्की सी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क आसानी से ले पाते। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। बुध पर्वत पर छोटी छोटी खड़ी लाइनें हैं और बुध पर्वत मध्यम टाइप का है, तो मध्यम सुंदरता होगी। बिजनेस सेंस भी रहता है ऐसे लोगों में, बारीक लाइनें ज़्यादा है और 2-4 भाषाओं के जानकार होते, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। सीधे सन माउंट पर चलते इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहां पर है, एक नाड़ी का रेखा में बनी हुई है यहां पर, एक ऊपर की तरफ है। हाँ बहुत बड़ी फिलहाल तो है नहीं, छोटी छोटी काफी है। आई थिंक ये पहले भी हो चुकी है। शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है व्यक्ति। जुपिटर माउंट हल्का सा टिल्टेड है, तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहेगी। हाँ सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ में, अभी इनकी शादी हुई नहीं है, मैं शादी की भी एज बताऊंगा। शादी अगर सर पे जोर से लगाओ बचपन में तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता, नहीं तो दोनों में तुतु में होती है। और पारिवारिक खर्चा भरपूर रहता है ऐसे लोगों का, परिवार के लोगों पर, ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। दूसरा देखें तो जुपिटर माउंट इनका बहुत छोटा है और शुक्र बहुत बलवान है,
मैंने ये एक ही केस में ऐसा देखा है, ऐसे लोगों को उपाय करने के बाद इनको ग्रोथ मिलती है। ये एक ही कॉम्बिनेशन है, बाकी मैं कई बार कहता हूँ स्टोनों से आपको ग्रोथ नहीं मिलती, केवल स्वभाव चेंज होता है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देगी। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत फैलावा भरपूर है पर पैडिंग कम है, तो मध्यम टाइप का ही मैं चंद्र पर्वत मानूंगा। शुक्र पर्वत काफी मजबूत है, इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ की चाहत रखता है और उसे मिलती भी है। गर्मी इनको पसंद नहीं आती, इरिटेट होते, पसीना भी कई लोगों को आता है जब शुक्र इतना बड़ा हो। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो ये लाइन गुस्सा दिला रही है, और ये जो लाइन है ये मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा, सेवाभावी लोग रहते हैं। और हार्ट लाइन शनि पर्वत के से शुरू हो रही है तो व्यक्ति में कामुक भावना रहती है, पैसे की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। और कभी कभी फिजिकल बनते यानी हाथ पैर उठाते, ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती लाइन। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। इनके हाथ में इनके कोई भी ऐसी लव मैरिज की लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही है। कई यंग लोगों का ये प्रश्न रहता है। माइंड लाइन भी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो तीन टुकड़ों में चल रही है पर थोड़ी छोटी है, तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा आता होगा। बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं रहती पर एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता है। अब सीधे इनके क्लोजअप पर ही चलते हैं, जो वर्तमान में एज 26 में इस रेखा ने काटा हुआ है इनको, ये राहु रेखा, इस वजह से ये पेन उठा रहे। उसके एग्जैक्ट 2 साल के बाद ये लाइन शादी कराएगी या ये राहु रेखा है। अब इसको भी मैं पकड़ रहा हूँ और बाजू वाली को भी मैं पकड़ रहा हूँ, उसके दो कारण हैं। ये भी चलते चलते ऐसा लगता है इस लाइन को जॉइंट हो रही है, और दो में से या ये लाइन, या तो 28 में शादी हो जाएगी या 33 में शादी होगी। और ये जो नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, अगर ये यहाँ से निकलती होगी तो 28 में कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी या 33 के आसपास होगी। तो दो में से कोई एक लाइन या तो 28 की है या 33 की है, इस पीरियड में इनका मैरिज होगा। और नियर एंड डियरर का भी मैंने बता दिया, उसके बाद एज 36 में राहु रेखा आएगी, फिर 39 में राहु रेखा आएगी, 38 या 39 में, और एक 41 में राहु रेखा आएगी, और एक 44 या 45 में राहु रेखा आएगी। इतनी लाइनें इनको परेशान करेगी, उसके बाद कोई राहु रेखा नज़र ही नहीं आ रही है। एक हल्की सी पतली सी 3-4 साल के बाद है, यानी 48 या 49 के आसपास, बस 48 ही समझिए, बाकी ऐसी कोई राहु रेखा आगे है ही नहीं। तो संघर्ष राहु रेखा कराएगी इनको यहाँ तक, और एक धन रेखा पर 37 के आसपास बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी धन रेखा ही नहीं है, अभी ये 27 की है, 27 के है,
और इस ये 28 की कट है, ये पारिवारिक खर्चा बताती है, तो हो सकता है ये 28 में शादी का खर्चा हो इनके जीवन में या कोई अदर होगा, पर 99% शादी का खर्चा ही दिख रहा है। 37 में कोई ना कोई लॉस जाएगा, और इतने पार्ट में कोई आपको धन रेखा दिख ही नहीं रही है, ना यहाँ पर दिख रही है। तो ये बिना धन रेखा वाला हाथ है, तो हो सकता है इनकी यहां से ऊपर की इनकम चालू हो, 35 या 34 से लेकर 56 तक इनको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम चालू हो, इस तरह का आभास मुझे लग रहा है। बाकी बिना धन धन रेखा का हाथ मैं अति उत्तम मानता हूं, क्योंकि होने पर खराब होती है तो प्रॉब्लम होता है, नहीं हो तो जितनी साइन है उसका पूरा पैसे का फल मिलता है। और ये यहां तक धन रेखा है, बस यहां पर पूरा क्लीन है और यहां पर भी पूरा क्लीन है। तो ये आइडियल पोजीशन है, अच्छी बात है, ये कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम इनको देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये भी जो है बहुत ज़्यादा उत्तम धन रेखा नहीं है, ना खराब है, 56 तक मध्यम टाइप की है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।